नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक यूट्यूब में नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि है टेक न्यूज की सीरीज में। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज से। तो पहली खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपना MI 5S एंड MI 5S प्लस लॉन्च कर दिया है। MI 5S में आपको एक 5.15 इंच की स्क्रीन, फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिस फोन में स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर आपको देखने को मिल गया है। क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है और इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका अपर्चर होगा f2.0 एंड आगे आपको 4 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की रैम की, तो आपको इसके अंदर रैम मिल जाएगी 3GB और 4GB के वेरिएंट में फोन मिल जाएगा। इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी आपको 64GB एंड 128GB के ऑप्शन में आपको फोन मिल जाएगा। और ये 4 कलर्स में अवेलेबल होगा, ग्रे, सिल्वर, गोल्ड एंड रोज गोल्ड कलर में आपको यह अवेलेबल होगा। करते हैं MI 5S प्लस की, जिसके अंदर आपको 5.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी और आपको पीछे की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जैसा कि आपको iPhone 7 प्लस में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MI 5S प्लस में भी आपको 821 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है और आगे की तरफ 4 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और बैटरी की बात करते हैं तो 3800 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यह 2 वेरिएंट्स में आएगा, 64GB एंड 128GB, 64GB 3GB रैम सपोर्ट करेगा और 128GB 6GB रैम सपोर्ट करेगा। और दूसरी खबर आ रही है YouTube की तरफ से। YouTube ने अपने एक नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका नाम होगा YouTube Go। यह इंडिया के लिए बहुत ही खास ऐप बनाया है YouTube ने। इस YouTube के ऐप में आप YouTube की जितनी वीडियोज हैं उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करके और सेव करके देख सकते हैं। ऐप अभी अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इस ऐप में आपको YouTube एक फीचर देता है कि आप YouTube की किसी वीडियो को देखने से पहले उसके प्रीव्यू शॉट्स दे सकते हैं। मतलब यह देख सकते हैं कि आप उस वीडियो के अंदर हालांकि असली में है क्या, जैसे कि आपको थंबनेल में कुछ और दिखता है, वीडियो में कुछ और दिखता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आपको पहले ही प्रीव्यू में 6 थंबनेल्स दिख जाएंगे YouTube वीडियो के, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो के अंदर आखिर है क्या। और वीडियो को चलाने से पहले आपको उसको साइज भी इसके अंदर दिख जाएगा कि यह किस किस साइज में अवेलेबल है, तो इससे आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर एक और फीचर आया है कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वाईफाई डायरेक्ट नाम के फीचर से, जो कि ज़्यादातर शेयर की तरह ही काम करेगा। तीसरी खबर यहाँ सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी ON 8, जो कि 5.5 इंच की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर आपको 3GB की रैम देखने को मिल जाएगी और जिसके अंदर आपको 16GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी और इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाएगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन को 3GB की रैम देखने को मिल जाएगी और यह फोन 4G पर सपोर्ट करेगा, जो कि इसके अंदर वॉल्टी सपोर्ट भी है। और इस फोन की बैटरी की बात करें तो ये आपको 3300 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि ज़्यादा खास बैटरी नहीं है 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले वाले फ़ोन के लिए। बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो ये आपको 15,990 रुपये तक की कीमत पर मिल जाएगा। ये इसकी सेल शुरू होएगी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे, मतलब 2 अक्टूबर से इसकी फेल फ्लिपकार्ट पर शुरू हो जाएगी और ये आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा, गोल्ड, वाइट और ब्लैक कलर में। और चौथी खबर जहाँ व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है। व्हाट्सएप की एक नई बीटा एप्लीकेशन में एक जो व्हाट्सएप का फंक्शन चला आ रहा था, जिसका नाम था ग्रुप लिंक, जिसके जरिए आप एक लिंक जनरेट करते थे और जो कि ये लिंक जहाँ भी पोस्ट करते थे और इस लिंक के जरिए कोई भी आपके ग्रुप में ऐड हो सकता है, तो यह अभी तक जो यह फीचर था ये व्हाट्सएप प्राइम नाम की एक मॉडेड एपी की व्हाट्सएप की, जिसके अंदर यह फीचर आ रहा था, लेकिन व्हाट्सएप का में यह फीचर ऑफिशियली आने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में यह फीचर हमें देखने को मिल गया है। तो हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे यह ऑफिशियल वर्जन है जो व्हाट्सएप का, इसके अंदर भी यह फीचर रोल आउट कर दिया जाएगा जल्दी ही। पांचवी और आखिरी खबर हमारे पास आ रही है एंड्रॉयड के गूगल पिक्सल नाम के फ़ोन से, जो कि 4 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है गूगल। इस फोन के हमें कुछ लीक्स मिले हैं, इस लीक के अंदर हमें दिख रहा है कि जो फ्रंट फेसिंग बटन था वो अब इस फोन के अंदर नहीं है और ये दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, गूगल पिक्सल एंड गूगल पिक्सल XL। इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ देखने को मिल सकता है और यह स्नैपड्रैगन 821, जो कि इसका लेटेस्ट है क्वालकॉम का, इस प्रोसेसर पर वर्क करेगा। और हाँ, क्योंकि ये गूगल का पिक्सल फ़ोन है, इसके अंदर यह फ़ोन गूगल के सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड 7.1 नोगट पर काम करेगा जरूर।
सो दोस्तों, अगर आपको टेक न्यूज सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। सो बाय, जय हिंद।